अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? मनुराज आज भी है क्या कि गले में हांडी लटका के चले और कमर में झाड़ू बांध के चले? अगर छुआ छूत नहीं होता, बराबरी होता, जो मंदिर में ट्रस्टी आप लोग बनाए हैं, तो मंदिर में कौन बैठा हुआ है ट्रस्टी में? और जो पुरोहित बना रहे हैं आज भी 21 लोग एक जमात से, अरे शरीर का कोई अंग भी ज्यादा बड़ा हो जाता है ना तो शरीर में बीमारी हो जाती है, वो वही बीमारी है, इसका निजात ढूंढना होगा। निजात है आरक्षण बनने देंगे, उसके लिए तो जाति का मेरिट चाहिए, और वो तो कोख से कोई लेके पैदा होता है। हम तो बाद में जाति बदल नहीं सकते हैं, जिस जात में आप पैदा हो गए उसी जात में मरना पड़ेगा। आप लोग पढ़ लिख कर क्या करोगे? सेवा करिए ना, आपका काम सेवा करने का है। ये तो आरएसएस की मानसिकता है, ये तो बीजेपी की मानसिकता है, तब ना उनके लोग कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा की शूद्र सेवा करें। सेवा कब तक आप मेवा खाते रहिएगा, शूद्र सेवा करते रहेगा? कभी तो आप भी सेवा का मौका लीजिए। जिस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर है, ऋतु जी हैं, हमारे लक्ष्मण यादव, बहुत लोग हैं जिनके साथ में क्या हुआ, ये कर रहे हैं कि इंटरव्यू के नाम पर आज भी द्रोणाचार्य बैठा हुआ है ऑफिस में और एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर देकर के अंगूठा काट रहा है। आज भी पर्टिकुलर जमात के लोगों को शिक्षा में पढ़ाने की भागीदारी मिली हुई है, हमारे लोग तो शून्य है। 2019 तक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं थे, शून्य थे, जिसकी आबादी देश में 60% है, पढ़ने लायक नहीं है क्या? मेरिट नहीं है उसके पास क्या? सीधी बात है क्या? रास्ते ही बंद कर दे रहे हैं कि ना वो पढ़ा पाए ना वो पढ़ पाए। मेरिट कहाँ है आप लोगों पर? आप लोग तो आरक्षण से आते हैं ना, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? आप पहले लाइन बराबर कीजिएगा ना, आप पहले बताइए, मेरे घर की जो महिला होगी वो जा करके धो रही है किसी का बर्तन, घर पोछा कर रही है, भाई कहीं कमाने के लिए गया है, पढ़ने का गलती से कहीं पर चांस मिल गया, जूठन आपने पढ़ी होगी वाल्मीकि जी। आप शूद्र है ना तो आप पढ़ क्यों सकते हैं? आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है ना। तो वो तो मनुराज था ना, अब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का राज है ना, इसी के खिलाफ में लड़ते लड़ते जगदेव बाबू शहीद हुए ना, तो आप मनुराज के खिलाफ में तो पहले ही लालू जी लड़ गए। जो मनुरथ निकाला गया था उसका विरोध हुआ ना, लालू जी गिरफ्तार किए ना, किस लिए? क्योंकि वो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो हम लोग इनकी नस धर चुके, उनका नस है, इनका नस यही है कि किसी तरह से आरक्षण ना मिल पाए। आप सुन रहे होंगे आरएसएस का कथन, हर बार कहते हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। जिस देश में बहुजन की हिस्सेदारी 90% है, किसी की हैसियत नहीं है कि आरक्षण को छुपा। आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप दूसरों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ठेस हम कहां पहुंचा रहे हैं? अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? मनुराज आज भी है क्या कि गले में हांडी लटका के चले और कमर में झाड़ू बांध के चले? कहने का अधिकार है ना, राइट टू स्पीच है ना, सब बराबर हो गए, अब छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है। अगर छुआछूत नहीं होता, बराबरी होता, जो मंदिर में ट्रस्टी आप लोग बनाए हैं, तो मंदिर में कौन बैठा हुआ है ट्रस्टी में? और जो पुरोहित बना रहे हैं आज भी 21 लोग एक जमात से, अरे शरीर का कोई अंग भी ज्यादा बड़ा हो जाता है ना तो शरीर में बीमारी हो जाती है, वो वही बीमारी है, इसका निजात ढूंढना होगा। निजात है आरक्षण, केस हो जाएगा आपके ऊपर। देखिए मैं बता तो रही हूँ, इस तरह से एक जमात को सब दे दीजिएगा, ये भूख से तड़प रहा है तो बीमारी नहीं है, देश बढ़ेगा इससे कि देश पीछे चला जाएगा? अरे आपको पिछड़ों का राज है, देश में पिछले प्रधानमंत्री है, देखिए पिछड़ों का राज होता तो खुद बताइए। आप जात की बात कर रहे हैं ना, तो जाति की बात में राम ही के वंशज है ना लव कुश, कुशवाहा को कहां कुछ मिल गया, अंदर में मिल गया क्या? सिर्फ एक जमात के लोगों का अधिकार है उस पे, और आप कह रहे हैं कि शूद्र का, अरे एक उखवाक बिठा देते हैं सिंबॉलिक देने के लिए, और पावर आज भी आरएसएस के हाथ में, और आरएसएस किनके हाथ में सबको? आप भी पुजारी बनना नहीं चाह रहे ना, तिजोरी पे नजर है ना। अरे भाई बनाने दे, बनने देंगे, उसके लिए तो जाति का मेरिट चाहिए, और वो तो कोख से कोई लेके पैदा होता है। हम तो बाद में जाति बदल नहीं सकते हैं, जिस जात में आप पैदा हो गए उसी जात में मरना पड़ेगा आपको। देखिए आप एक पिछले प्रधानमंत्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उस प्रोग्राम में जाएंगे, सारे जितने भी शंकराचार्य हैं विरोध कर रहे हैं। देखिए चारों के चारों वही तो हम कह रहे हैं, जिनको धर्म से लगाव है, जिनकी धर्म में आस्था है, तो आपको तो सबसे पहले ये सवाल उठाना चाहिए कि शंकराचार्य जो चारों लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप तो कह दीजिएगा आपकी राम विरोधी मोदी विरोधी, तो शंकराचार्य पे भी आप सवाल उठा दीजिएगा। आप सोचिए, धर्म को राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जय श्री राम पॉलिटिकल नारा है, सियाराम आस्था से जुड़ा नारा है। बिहार में आज भी सीता हमारे यहाँ से थी, आज भी सियाराम बोला जाता है, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जय श्री राम बोल करके ये लोग क्या करते हैं, किसका उन्माद फैलाते हैं? प्रियंका भारती जाएंगे राम मंदिर, राम मंदिर। देखिए मेरे भगवान में धर्म में कोई आस्था नहीं है, मैं इंसानियत में आस्था रखती हूँ, मेरे लिए मेरी सरस्वती भी कोई है, जो सरस्वती जो भी है, मेरे लिए सावित्री माँ इस
देश की पढ़ाने वाली जो पहली महिला शिक्षिका है फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, इनको मैं मानती हूँ, मैं इंसानियत में आस्था रखती हूँ और इंसानियत के लिए मुझे अगर कुछ करना है तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लोग जो गरीब गुरबा है उनके तक हम पहुँच सकते हैं, उनका दुख दर्द सुन सकते हैं, बांट सकते हैं, हमारी सरकार रोजगार दे रही है, रोजगार दे सकते हैं, रोटी रोजगार की चिंता कर सकते हैं। बस एक लाइन, कबीर कहते थे भूखे पेट भजन हो ही ना गोपाला, तो पहले पेट की चिंता हो फिर भजन की चिंता। आप लोग पढ़ लिख कर क्या करोगे, सेवा करिए ना, आपका काम सेवा करने का है। ये तो आरएसएस की मानसिकता है, ये तो बीजेपी की मानसिकता है, तब ना उनके लोग कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा की शूद्र सेवा करें। सेवा कब तक आप मेवा खाते रहिएगा, शूद्र सेवा करते रहेगा, कभी तो आप भी सेवा का मौका लीजिए, हमें तो मेवा खाने दीजिए, 5000 साल से वही रखिएगा, अरे तवा पे रोटी पलटेगा, और पलटने का एक ही तरीका है जाति का संकट। आजकल एक राम भद्राचार्य है, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, उनको क्या कहना आपका? अरे ऐसे लोगों के सामने जो खुद जातिगत भेदभाव नफरत द्वेष से भरे, उनके सामने तो प्रधानमंत्री मोदी नतमस्तक है, सर झुकाते हैं, तो ये मिली जुली साजिश है इनकी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरक्षण के खिलाफ भी बोलते रहे हैं वो, तो मैं तो कह रही हूँ कि उनके पास मेरिट सिर्फ जाति वाला है ना, बनने का राम भद्राचार्य सिर्फ जाति का मेरिट है, तो विरोध करेंगे, उनको मालूम है और कुछ तो है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, समझदारी है नहीं, ज्ञान है नहीं, तो बेवकूफी में बेवकूफी। प्रियंका जी रास्ता तो नहीं है ना आप लोगों के पास? रास्ता है ना, सड़क, सड़क ही रास्ता है, संसद से, संसद राम मनोहर लोग यहाँ हमेशा कहते थे अगर संसद बहरी हो जाए, अगर सड़कें सुनी हो गई तो संसद बहरी हो जाएगी, हम इसीलिए सड़क पर उतरे हैं कि आपके कान में जूर रेंगे कि विद्यार्थी विरोध कर रहा है, और जब तक विद्यार्थी विरोध करता है, विद्यार्थी सड़क पे आता है, संसद रुकता है। सरकार सिर्फ वोट से डरती है, तो वोट तो किस चीज पर मिलेगा, राम मंदिर पर वोट मिलेगा, रोटी रोजगार पर, बिहार में 9 महीने के भीतर 5 लाख रोजगार दे दिए तेजस्वी जी और मार गठबंधन सरकार, उसी पे वोट मिलेगा। पूरी अयोध्या सजाई जा रही है, 22 तारीख को देखिए दिवाली मनेगी देश में, 22 तारीख को नहीं 13 तारीख को दिवाली मनेगी पूरे देश में, क्योंकि 13 तारीख को 1.25 लाख लोगों को रोजगार का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है बिहार में, हमारे दिवाली वही है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ये, नो एजुकेशन पॉलिसी फॉर बहुजन है ये, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा इनका प्लानिंग ही है कि कैसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और जैसे यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज होगा निकलेगा बाहर कौन, बहुजन बच्चे, ओबीसी, अकलियत, दलित, आदिवासी, पसमानदा, उनके पास किसी तरह का बैकअप नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए, जेएनयू में 40% बीपीएल कैटेगरी का छात्र पढ़ता है, कहां से पैसे लाएंगे हम, तो हमें मालूम है कि ये हमारे जिंदगी की लड़ाई है, अभी नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़े। जिस मंदिर में आप खुद बताइए, आज भी महावारी में महिलाएं होती है तो उनको घुसने नहीं दिया जाता है, दलितों को घुसने नहीं दिया जाता है, आप खुद कहिए, आप हमारे राष्ट्रपति मंदिर गए, मंदिर धो दिया गया, आपके मन में तो आज तक हमारे लिए इज्जत जागा ही नहीं, आप तो नहीं हमें बराबर मानते हैं, तो आप कौन सा राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य तो जानते हैं कहाँ आ रहा है, बिहार में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य तो कब का खत्म हो गया, पूरी रामायण इसीलिए हुई कि सीता को आंचना है, सीता माता को आंचना है, और आपके बीएचयू में जाकर के वहां पर बीजेपी आईटी सेल के लोग महिला का बलात्कार करते हैं, राम वहां रहेंगे, राम कहां गए उस महिला के लिए जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो 59,000 शिक्षक जो वहां पर ओबीसी के हक की मारी हो गई उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके राम कहां है, कहां राम है? किसी भी तरह का अगर आप विद्रोह यहां पर दर्ज करने की कोशिश करें तो आज सरकार और दिल्ली पुलिस ने एक अपना रवैया ठान लिया। इसी यूनिवर्सिटी में जब यूनिवर्सिटी बंद थी, यूनिवर्सिटी को खुलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, लगातार लोगों पर FIR करी गई, लगातार स्टूडेंट्स पर। आज के समय पर हम लोग कुछ भी, मतलब आप कहिए यूनिवर्सिटी का कोई मुद्दा, देश का मुद्दा, किसी पे भी आप बात करने जुड़िए तो ये रवैया साफ दिखता है। डॉक्टर रितु जो पिछले 130 से ज़्यादा दिन से लगातार बैठी हैं यहाँ पर और इस बात को धरने पर बैठी हैं और इस बात को कह रही हैं कि उनके साथ जो हुआ वो अन्याय, इतने तमाम लोगों के साथ जो उनकी नौकरी छीन ली जा रही है, लगातार इस यूनिवर्सिटी में कास्टिज्म, जातिवाद और अन्याय लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, सरकार को क्या मजबूरी हो सकता है कि रातों रात धरना खत्म करने की जरूरत पड़ जाए, दिन में भी तो हो सकते थे? मजबूरी तो साफ है, डॉक्टर रितु का जो प्रोटेस्ट है वो पूरा देश देख रहा है, जनता इनके समर्थन में उतरी है, इतने छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, शिक्षक सब उनके समर्थन में है, उनके साथ है। पुलिस का ये रवैया कि रात को आइए चोरी छुपी करिए, ये तो पुलिस का डर दिखाता है, डर दिखा रहा है, और मगर उसके साथ साथ वो इस बात को जानते हैं कि आज उनके पास पावर है, आज वर्दी के दम पर जो वर्दी के अंदर खाकी पहने वो तो वो सामने दिखा दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उनको ये डर है कि जनता से जवाब भी मिलेगा, दिन में आप करने की कोशिश करेंगे जनता से जवाब मिलेगा। अभी हम लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, लगातार टीचर्स लगातार यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, आज ये बढ़ रहा है,
और वही सामने है, उसी का डर पुलिस को। तो क्या एक लोकतांत्रिक मामला रहा जिस तरह से धरना को रात ही रात खत्म किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र ही खत्म किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट को कुछ भी कहने पर, कुछ भी बात करने पर, टीचर को कुछ भी कहने पर, कुछ भी बात करने पर उनको ये फेस करना पड़े कि उनके प्रोटेस्ट को उखा दीजिए, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स तक को छीन लीजिए, उन पर लगातार FIR करिए, उनका लगातार दमन करिए, तो कहाँ लोकतंत्र? आज यूनिवर्सिटी में तो लोकतंत्र को वापस पैदा करने की लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर रितु जो लड़ाई लड़ रही थी, लोकतंत्र को वापस लाने की लड़ाई थी। यूनिवर्सिटीज़ में तो लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। हम देख रहे हैं हर जगह, IIT BHU भी देश की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर गैंग रेप होता है और वहाँ पर एक्शन नहीं होता। पता चलता है तीनों आरोपी जो हैं वो BJP IT सेल के लोग, जो गैंग रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं तो BJP का चुनाव प्रचार भी तो कर रहे हैं, BJP का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जो लोग गैंग रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर FIR होती है, उनको दो दो दिन के लिए गायब कर दिया जाता है, उन पर तमाम कानूनी कार्रवाई। यूनिवर्सिटीज से लोकतंत्र को सिस्टमेटिकली खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। यूनिवर्सिटीज से न्याय को, प्रगतिशील सोच को सिस्टमेटिकली खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर रितु के साथ जो दौलतराम कॉलेज में होता है, कोई कार्यवाही नहीं है सविता रॉय पर, कोई भी कार्यवाही नहीं। चार्जशीटेड है SC ST एक्ट के अंदर, कोई कार्यवाही नहीं। दूसरी तरफ जो लोग अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर यह, हमने देखा IP कॉलेज में जब इतने आदमी घुसे और लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, कोई एक्शन उधर नहीं हुआ, प्रिंसिपल को बचाया गया। क्या हुआ? जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ मारपीट, उन पर गाड़ी तक चला दी गई, उन पर लगातार FIR। तो क्या लग रहा है इस हालात में डॉक्टर रितु को अब न्याय मिल पाएगा? सर, लड़ाई को मजबूत करना है। डॉक्टर रितु क्या कह रहे हैं आज के समय पर, आज यहाँ पर जो जुटे हैं सब क्या कह रहे हैं, इस लड़ाई को मजबूत करना है और तब तक लड़ना है जब तक न्याय ना मिले। लड़ाई तो अब खत्म होने की ओर दिखाई दे रहा है। कैसे होने की ओर दिख रहा है? आज कोर्ट में मामला है, आज अगर पुलिस ने तंपुई तो उठाया है, लोगों को तो नहीं उठा लिया, लेकिन यहाँ पे तो 144 धारा लागू हो गया ना, अब यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। 144 धारा ये साल भर लागू करे रखते हैं, इलीगली लागू करे रखते हैं। जिस तरीके से हम आपको बताएं, कई केसेस ऐसे तक हैं जो हम आज कोर्ट में लड़ रहे हैं, जिसमें प्रोटेस्ट जिस दिन का है उसके दो दिन बाद की 144 की नोटिफिकेशन है, मगर FIR कर रखी है दिल्ली पुलिस ने। 144 को तो स्केपगोट बनाकर साल भर प्रोटेस्ट को कर्ब करने का तरीका ढूंढा गया। 144 से नहीं डरते यहाँ के लोग, यहाँ के लोग अगर इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज की आत्मा को बचाना है, तो 144 से नहीं डरते हैं, इस पुलिस से, इस वर्दी से नहीं डरते हैं। देख रहे हैं कि स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रितु कह रही हैं, ये तो दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी साजिश बता रहे हैं आप। बिल्कुल है। दिल्ली पुलिस जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर चलती है, ये बिल्कुल साजिश है। आज जो UAPA के तहत इतने लोग जेल में हैं, वो भी साजिश है। आज यूनिवर्सिटीज़ में सिस्टमेटिकली डेमोक्रेटिक स्पेस को ख़त्म करना बिल्कुल साजिश है। ये आर्ट्स फैकल्टी है, ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की जगह है, टीचर्स की जगह है। इसको दिल्ली पुलिस ने, आप देखिए किस तरीके से छावनी बना रखा है, ये दिल्ली पुलिस की साजिश, सरकार के साथ मिलकर साजिश है। सरकार और दिल्ली पुलिस मिलकर इस काम को कर रहे हैं। आज डॉक्टर रितु पीसफुली 135 दिन से धरने पे हैं, अपनी बात को कह रही हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। लगातार स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, देश भर में उनकी आवाज़ जा रही है, ये डर है। और डॉक्टर रितु एक बड़ा चैलेंज है दिल्ली पुलिस और सरकार की साजिश के खिलाफ, उस चैलेंज को खत्म करने की तो कोशिश। क्या लग रहा है, इतने दिनों से धरना को खत्म नहीं करवाया गया और कल रात को इसको खत्म कर दिया गया है? मौका ढूंढा जा रहा था सर, बरसात हो गया, मौका ढूंढा जा रहा था, मौका उनने देखा, मगर उससे खत्म नहीं हो जाएगा, उससे ना सरकार अपनी मौके की तलाश में थी। सरकार लगातार मौके की तलाश में। चलिए शुक्रिया।